विचरण करना, अपने आप में विचरण करने का जो मार्ग है उसका नाम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचरित ब्रह्मचर्य जो आत्मा में के अंदर लीन होने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके अंदर एनर्जी आवश्यकता होती है। जो धर्मेश्वरा जो कर्मेश्वरा सो धर्मेश्वरा, जो कर्म करने में सामर्थ्यवंत होता है, ताकतवंत होता है, ऊर्जावंत होता है, बॉडी के अंदर पौष्टिक तत्वों से युक्त होता है, वही अपने कर्मों को क्षय करते हुए आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। अगर बॉडी सुसूत्र नहीं है, देह सुसूत्र नहीं है, आप आंखें बंद करेंगे तो नींद आएगा, ध्यान करने में आसन लगा के बैठेंगे तो पेन शुरू हो जाएगी, दर्द शुरू होगा, और दर्द आपके जीवन के जो स्थिरता है वो भंग कर देगा। इसलिए जो है एनर्जी, जो पावर है, शक्ति है, वो पावर को हम एकत्रित करना पड़ता है। इसलिए इसका ब्रह्मचारी का बहुत महत्व होता है, आत्मिक तत्व को प्राप्त करना। जितने भी साधन हैं, चाहे वो मंत्र की साधना हो, चाहे दिव्य साधना हो, उसके लिए ब्रह्मचारी रहना परमावश्यक होता है। क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं, जिसको पाने जा रहे हैं, उस साधना को पाने के लिए हमारे पास वीर्य, शक्ति, एनर्जी, रज, ये पावर अगर स्टॉक रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हमारा पतन हो जाएगा, निकल जाएगा, शक्ति वी हो जाएगा, देह तो बिक हो जाएगा उसको पाने के लिए, तो बनना है तो ब्रह्मत्व को प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। ब्रह्म से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। एक मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचारी की कथा आपने सुनी होगी। महाभारत की गौरव गाथा के अंदर भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हें जीवन में कभी शादी नहीं किया। उसका नतीजा क्या, रिजल्ट क्या निकला? हिंदू पुराण कहते हैं कि भीष्म पितामह जैसा कोई योद्धा विश्व के अंदर दूसरा जन्म नहीं लिया। ये तो सब सार्वभौमिक चर्चा का विषय है। इसके अलावा ब्रह्मत्व को धारण करने के कारण, ब्रह्मचारी को धारण करने के कारण उनकी एनर्जी इतना स्टॉक हो गई कि वह अपने जब मृत्यु चाहे तभी उन्होंने अपने जीवन को छोड़ा। यानी इच्छा मृत्यु का उनके वर की प्राप्ति हुई। तो आप निश्चित मान लीजिए आपके दीर्घायुष का कारक ये ब्रह्मचर्य है। इंसान को पैदा करने की एनर्जी, मानवता को पैदा करने की एनर्जी, अगर आपके अंदर एनर्जी स्टॉक रहेगा, उस एनर्जी के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर अनेकों साधनाएं, सिद्धियां और अनेकों प्रकार की व्यक्तित्व आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पांच तीर्थंकर आजीवन बाल ब्रह्मचारी हैं, जिसमें महावीर। महावीर ब्रह्मचारी रहे। महावीर बाल ब्रह्मचारी रहे। अब इसके नतीजा ये निकला कि पूरा विश्व को उनकी एनर्जी से जो तत्व निकले, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचारी, कुशल और अपरिग्रह, जो पांच तत्वों का उद्बोधन हुआ, उससे पूरा दुनिया जो है प्रभावित हुआ।
महावीर को जितने बार भी नाम से संबोधित जाया जाता है तो मन के अंदर आनंदित होता है। महावीर के जो मार्ग पर चलता है वो महाविकास को प्राप्त होता है। महावीर के मार्ग से भटक जाता है वो महाविनाश को प्राप्त हो जाता है। और ध्यान रखिए, महावीर के अनुयायी को बहुत बड़ा लाभ ये रहा, महावीर को जो भजता है, महावीर को जो आराधता है, महावीर भगवान को जो समर्पण करता है, उसके जीवन के अंदर कोई कमी नहीं रहती है। वर्धते वर्धमान, धन की वृद्धि होती है, आरोग्य की वृद्धि होती है, धार्मिकता की वृद्धि होती है, यशस्विता की वृद्धि होती है। तो आप लोगों से यही आत्मीय निवेदन है कि आजीवन ब्रह्मचारी की ओर बढ़े, और जो नहीं बढ़ सकते हैं वो कम से कम चतुर्दशी और अष्टमी को तो व्रत धारण करें, जिससे आपके जीवन में एक एनर्जी स्टॉक हो सके, शक्ति और ऊर्जा आपको प्राप्त हो सके। अब ब्रह्मचारी से घटनाएं क्या घटती हैं? अब ब्रह्मचारी से मनुष्य के जीवन में एसिडिटी, लिवर डैमेज होने का चांस रहता। तो हम स्वास्थ्य को समृद्ध बनाने के लिए, आरोग्य जीवन को समृद्ध करने के लिए व्रत को धारण करें। ब्रह्मचारी व्रत दो प्रकार के माने गए हैं, एक अनुव्रत और एक महाव्रत। महाव्रत से मन वचन काय से नौ कोटि से आजीवन संपूर्ण रूप से स्त्री को त्याग करना, यह जो है ब्रह्मचारी कहलाता है महाव्रत रूप में। रूप में जितनी आपकी था, इसको दो रूप में विभाग किया है। एक तो स्व स्त्री को छोड़कर के पर स्त्री को संपूर्ण रूप से त्याग करना, तो पुरुष को छोड़कर के सारे पर पुरुष को सब को त्याग करना, एक एक अनुरूप में आता है। दूसरा जो है अष्टमी चतुर्दशी को व्रत को धारण करना, एक स्वरूप में यह प्रतिबद्ध किया है। तो महान भाव, आज 10 लक्षण धर्म धर्म का अंतिम है, जहां से शुरू होता है क्षमा के माध्यम से, और क्षमा होने के बाद गंभीरता और शक्ति और एनर्जी ब्रह्मचारी से प्राप्त होता। दूसरा दिन मान का मर्दन होने के बाद देह के अंदर जो तेज होता है उसको स्थित करने का अगर कोई शक्ति प्राप्त होता है ब्रह्मचारी के अंदर, छल कपट के माध्यम से जागने के बाद अस्थिर हो जाता है मन, अस्थिर होने के बाद स्थिर करने की अगर कोई एनर्जी प्राप्त होता है तो ब्रह्मचारी के माध्यम से प्राप्त होता है। लोक त्याग करने के बाद मन को, भावनाओं को कंट्रोल करने की जो शक्ति और एनर्जी जो प्राप्त होती है वो ब्रह्मचारी के माध्यम से प्राप्त होता है। स्वयं को धारण करने के लिए ब्रह्मचारी पर प्रथम स्थान है, तप को धारण करने के लिए ब्रह्मचारी प्रथम स्थान है, त्याग को धारण करने के लिए यह परम स्थान है। तो कहने का तात्पर्य है, और आज मुझे एक समाचार प्राप्त हुआ, औरंगाबाद नगरी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 75 से ऊपर के लगभग नव युवक नव युवतियां 10-10 उपवास कर चुकी। कितनी बड़ी बात है, हम उसकी उपवास की बधाई और अनुमोदना करते हैं। और अगर वह सुन रहे हो प्रारंभ टीवी के माध्यम से,
से उनको आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, परंतु मात्र 10 दिन ना करें, अन्य दिनों में भी उपास न करते हुए अमोदर भी करते हैं, कभी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यह हम अपेक्षा करते हैं। और उसी प्रकार अन्य जगहों में जिन जिनों की जगह पर उन्होंने उपास किया है, उन सभी उपास के लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं, और कल का नहीं जो पारणा है वह अच्छी तरह पूर्ण हो, ऐसी भावनाएं भाता हूं। कोई कोई 10 साल का बच्चा ने किया, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल। मोर ने एक सपना देखा था, दो बैल जो है बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ, धर्म जो रथ है, धार्मिकता का जो रथ है, उसका नवयुवकों पर अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से धर्म की प्रगति होगी। परसों एक हाँ परसों बेलद बागीवाड़ी एक गांव है कर्नाटक के अंदर, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, त्याग का दिन है, और त्याग के दिन में दो ग्रुप बने वहां। एक साधु को लाया, एक माताजी को लाया। सामने एक माताजी को बैठाया गया, और सामने सामने तो हॉल है एकदम एकदम अपोजिट। माताजी को इतना तो नॉलेज होना चाहिए था, एक महाराज सामने बोल रहे तो एक आधा घंटा चुप रह जाते। हम लोग आग न लगाते हुए आग बुझाने का प्रयत्न करें, हाँ आग के अंदर घी डालने के बजाय पहले गांव में आग लगा हुआ है, और वो महाराज लोग भी इतने शाने हैं, दूसरे गांव से आके यहाँ प्रवचन दे रहे। बोले बोले और आग लग जाए, है चार लोग तुम, है समाज कितनी, चार लोग समाज की, और उसमें भी इस प्रकार भयंकर युद्ध, बड़ा अजीब और गजीब लगता है। काय का धर्म, काय का पूजा किया, और सब इस साल की 10 लक्षण उस गांव का बेकार गया मेरे हिसाब से, कोई अर्थ नहीं, क्षमा का अर्थ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार की जहां जहां स्थिति बन रही है, इसका आधा कारण जो है क्रिटिक, इन आधा जो है उसका श्रेय अगर साधुओं को ही जाता है, तो इस प्रकार गांवों में एकता बनाने की प्रयत्न करना चाहिए, मेरी भावना है। और श्रावकों को बुद्धि देना चाहिए, और श्रावक लोग भी जो चलो जो लड़ रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी बुद्धिमान लोग तो होंगे, उन लोगों से आत्मीय निवेदन है कि उस प्रकार आग लगाने के जो कारण है उसको हटा करके और गांवों में शांति स्थापना की भावना भाए, ये मेरी भावना है। समस्याएं हर घर में रहती है और समस्या हर समाज में रहती है, उसको सुलझाने का प्रयत्न करना हमारा धर्म है। हर जगह समस्या है, इस बॉडी की समस्या है, बॉडी के अंदर समस्या पैदा होने के बाद डॉक्टर की दवाई खाने से ठीक करते कि नहीं, वैसे समाजों में कई प्रकार की समस्या है, उसको हल करने का प्रयत्न करना चाहिए, बल्कि उसको बिगाड़ने का प्रयत्न हमें अपने हाथों से नहीं करना चाहिए, ये भावना है। नगर में शांति हो और धर्म की प्रभावना हो, धार्मिकता का लोगों की संख्या बढ़े, और कई जगह अच्छा भी कई कार्य हो रहा है, 90% अच्छे हो रहा है, पर 10% भी जो है बिगाड़ देता है समाजों में। और जिन लोगों ने भी उपास किया है उन सबको दोबारा मैं पुनः पुनः आशीर्वाद प्रदान करते हुए, कल से हम लोग आज कल से साधना शुरू करेंगे, आरोग्य की साधना। उसमें जाप रहेगा, इसमें योगा रहेगा, इसमें प्राणायाम रहेगा, इसके अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियां और एनर्जी और आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो कल से आप सभी लोग साधना के अंदर ठीक सुबह 7 बजे बज करके जैसे शांति धारा हो जाए उस टाइम में जाप कराऊंगा, और इसी टाइम पर जो अभी टाइम पर और शाम के टाइम पर विशेष जो है दीप साधना, द्रव्य साधना और अनेकों प्रकार के दिगबंधन की साधना, अलग अलग प्रकार की साधनाएं 9 दिन कराया जाएगा। तो
कहने का तात्पर्य आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी लोग सही समय पर पहुंचे और सही समय लाभ ले। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए 10 लक्षण का अंतिम धर्म का पूजा करके अपने जीवन को सस्त। आइए हम सभी करते हैं अब 10 लक्षण महापर्व की पूजन। 10 धर्मों के हम 10 अर्घ भी चढ़ाएंगे, जयमाल भी करेंगे बड़े ही भक्ति भाव के साथ। तो चले स्थापना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तम छिमा मारी दब अर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकेंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है।